और अब हम दिखाएंगे आपको कि बाल शोषण किस तरीके से हो रहा है। बाखूबी आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र की रक्षा चलाते सुबह कैमरे में हुआ कैद। कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? और जिला अस्पताल के सामने जब इस छात्र को, इस बालक को देखा गया रक्षा चलाते हुए, तो ये घबरा गया और आखिर में घबराने के बाद बोला, गलती हो गई, अब नहीं चलाएंगे। हम आपको दिखाते हैं, चला रहे हो रक्षा? नहीं चला रहे, चला तो हमने खुद देखा है, ये चला रहे रक्षा। तुमसे किसने कहा रक्षा चलाने के लिए? किसने कहा रक्षा चलाने के लिए? मैं कहा तो नहीं। हाँ चलाते हो? क्यों चलाते हो? पढ़ने की तो तुम पढ़ने की जो ड्रेस पहने हो। कहाँ पढ़ते हो? हाँ, तो ये रक्षा क्यों चला रहा हो? किसका है रक्षा? तो मालिक। मालिक का? तो तुम कैसे चला रहे हो? स्कूल नहीं गया आज? दीदी तो रक्षा क्यों चला रहे हो? गाय भाई हो आप? गाय भैया हो? सबसे बड़े हो? तो फिर क्यों चला रहे हो? क्या ऐसी परेशानी क्या आ गई? तो क्यों चला रहे हो रक्षा? इतने रोड पे रक्षा जो चला रहे हो, गलती हो गई। अब ये किस कौन ले जाएगा यहाँ से चला के? तुमने इन्हें चलाने को दिया? नहीं, हमने चलाने नहीं दिया इन्हें। क्या हम चलाएंगे? तभी तो जेल में मना करते रहे। अब ये गलती नहीं करेंगे, हमें चलाएंगे रिक्शा। चलो चलाओ। और बदलते मौसम में चर्म रोग ने पकड़ा जोर और खुजली हुई शरीर में पैदा, आपको हम दिखाएंगे। जिला अस्पताल में आज काफी भीड़ देखी गई और भीड़ देखने के बाद में हालांकि खाकी को भी हो गई खुजली, हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन कुल मिला के डॉक्टर को कहना है एहतियात बरतना हो। और इसी बीच ड्यूटी छोड़कर खाकी को भी आना पड़ा। जब पूछा कि आपको भी ये दिक्कत है, तो उनका कहना था कि मुझको भी हो गई है। जी बताइए कि आप भी दिखाने आए क्या? हाँ सर, हमें खुजली परेशानी है। क्या परेशानी हो गई? तो खुजली है शरीर में। अच्छा अच्छा, तो इस मौसम में ज्यादा, इसका भी ज्यादा असर करता है। हालांकि इस मामले में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एम एल अग्रवाल से जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों होता, तो उनका कहना था, खुजली वाले इसके बीच के मरीज के लिए जो है, इसके बीच फैलने के लिए बहुत मुफीद मौसम है। इस मौसम में इसके बीच के मरीज ज्यादा। और इसके बीच के अलावा भी देखा एलर्जी का, पानी का पत्ता हो? हाँ, ये तो पूरे साल ही रहता है एलर्जी के मरीज। इसके लिए उपाय कोई? इसके लिए उपाय, एलर्जी के लिए तो कोई उपाय नहीं। जिस चीज़ से एलर्जी है उससे थोड़ा बच के रहें। और इसके बीच में भी कॉन्टेक्ट से फैलती है, जो घर में किसी को हो जाती है दूसरे को होने रखता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल।